नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत की मेरी 15 से 16 क्लासें हो चुकी है, उनको जाके देखना है एक बार। आज मैं उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाता हूँ और एक नई टाइप की क्वेश्चन करते हैं, वोटिंग वाले, चुनाव वाले। जैसे मैं छोटे स्तर की बात करूँ, जैसे गाँव में चुनाव होते हैं सरपंच के, तो सरपंच के चुनाव में कई कैंडिडेट खड़े होते हैं। अपन दो कैंडिडेट वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक जीतेगा दूसरा हारेगा। हार जीत का फैसला दो कैंडिडेट के बीच में होता है। तो अपन चुनाव संबंधित क्वेश्चन करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है वो भी देखते हैं। चुनाव संबंधित प्रश्न, इसका फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बोलूं गांव की कुल जनसंख्या, मैं ले लूं कुल जनसंख्या गांव की कुल जनसंख्या है। अब कुल जनसंख्या में मैं बोलूं कि ये तो डाले गए वोट, और इधर ले लूं मैं न डाले गए वोट। अब देखो, आप कुल जनसंख्या कितनी भी है गांव की पता नहीं है, कुल जनसंख्या में कितने वोट डाले गए हैं और कितने वोट नहीं डाले गए हैं। अब क्या होता है, फिलहाल तो गांव में वर्तमान में ईवीएम से वोट पड़ते हैं, पहले पर्ची से वोट पड़ते थे, साइन मारते थे अपन वो, तो उनमें क्या होता है कि डाले गए वोटों का कुछ क्या होता है, अवैध हो जाते हैं और कुछ होते हैं वैध। मतलब कुछ अवैध हो गए, मतलब डाले गए वोटों में से मैं बोलूं कुछ अवैध हो गए, तो अवैध वोट ये हैं अवैध, तो इधर क्या आएगा, वैध वोट, वैध वोट, ठीक है। अब देखो, इस वैध वोटों में दो कैंडिडेट, एक हारेगा दूसरा जीतेगा। जैसे मैं बोलूं ये ए कैंडिडेट है मेरा और ये बी कैंडिडेट है, मैं बोलूं ये जीत रहा है, हारने वाले कैंडिडेट के वोट हैं और इधर हारने वाले कैंडिडेट के वोट हैं, ठीक है। मतलब ए को इतना मिला, बी को इतना मिला। अब देखो, हार जीत के अंतर की बात करूं मैं, कितने वोटों से हारा और कितने वोटों से जीता, तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, हार जीत का अंतर, ये अंतर कहलाएगा, ठीक है। अब देखना, ये इसका फॉर्मेट है, ध्यान रखना, कुल जनसंख्या में डाले गए वोट कितने हैं, और डाले गए वोट हैं तो इधर क्या, न डाले गए वोट। अब डाले गए वोटों का कितना परसेंट वैध है और कितना परसेंट अवैध हैं। अब वैध वोट हैं, वैलिड वोट हैं, वैलिड वोटों में जीतने वालों को कितने मिले और हारने वालों को कितने मिले, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते, देखो मैं एक बार देखना, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि गाँव में 100% वोट पड़े, गाँव में 100% वोट पड़े और एक जीतने वाले कैंडिडेट के पास 60% मत प्राप्त हुए, तो मुझे बताओ हारने वालों को कितने पड़ेंगे, हारने वालों को पड़ेंगे 40% पड़ेंगे। ये जीतने वाला है और ये हारने वाला कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट है। गांव में 100% वोट थे, 100% वोट पड़े, जीतने वालों को 60% मिले, तो हारने वालों को कितने पड़ेंगे, 100% माइनस का 60% घटा दो तो कितना आएगा, 40% हारने वालों को पड़े। तो मुझे एक बात बताओ आप, कि जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता, ये बताओ आप कितने परसेंट वोटों से जीता। तो मुझे बताओ, हार जीत का अंतर तो ये होता है, हार जीत का अंतर ये होता है, तो मुझे बताओ अंतर यहाँ पर कितने का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 20% का। 60% माइनस का 40% तो कितना, 20% का अंतर आएगा। अगर मैं बोल दूं कि जीतने वाला कैंडिडेट, मैं वोटों की संख्या दे दूं, मैं बोल दूं कि 40,000 ले लो, 40,000 वोटों से जीता, 40,000 वोटों से कौन, ए जीता, ये ए कैंडिडेट है और ये बी कैंडिडेट है। गांव में 100% वोट पड़े, ए को मिले 60%, तो बी को कितने मिलेंगे, 40%, ये मिले हैं। लेकिन हार जीत के अंतर की बात करूं तो 20% वोटों से जीता है ए, या बात करूं 20% वोटों से हारा है कौन सा, बी, एक ही बात है, समझ में आया कि ए पर 20% वोटों से जीता है कौन, ए, 20% वोटों से हारा कौन सा, बी, एक ही बात है, ध्यान रखना। अगर मैं बोल दूं कि
ए है ना, ए कैंडिडेट ये जीता है, ये कितने वोटों से जीता है? 40,000 वोटों से जीता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 वोटों से जीता है। अगर परसेंटेज में बात करूँ तो 20% वोटों से जीता है, तो 20% के बराबर क्या ये 40,000 होगा कि नहीं होगा? होगा, सिंपल सी बात है। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 40,000। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू यहाँ से निकालूँ मैं, तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 20 का जाएगा इसमें भाग में, तो 40,000 बटा कितना आएगा? 20,000। काटूंगा 20 से कम, 20 दूनी 40, 2,000। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 2,000। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू निकालूं मैं, तो 100% की वैल्यू 20 चिपका दो, तो 2,000, तो 1, 2 कितने हो गए? 200,000। टोटल वोट कितने पड़े? 100% वोट पड़े थे, तो 100% की वैल्यू कितनी? 200,000। 200,000 गांव की कुल जनसंख्या है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ऐसे और देख लो एक बार, जैसे मैं बोलूं, एक और देख लो सिंपल सा, कि गांव में 100% वोट पड़े जिसमें से ए को मिले, ये ए है, ए को मिले 70% वोट और ये 70% वोटों से जीत गया, तो मुझे बताओ बी को कितने मिलेंगे? बी को मिलेंगे मेरे भाई 30% वोट। 100% माइनस का 70%, तो 30% ये हार गया। और मैं बोलूँ ए जीत रहा है ए को मिले 70%, यदि ए, मैं बोलूँ यदि ए एक 14,000 वोटों से जीता है, ए 14,000 वोटों से जीता है, ए जीता है, तो हार जीत का अंतर, तो ये अंतर ये तो होता है, तो मुझे बताओ अंतर कितने का है? जीता है, तो 70% माइनस का 30%, 40% वोटों से जीता है। मिले हैं इसको 70%, इसको मिले 30%, लेकिन जीता कितने से? 40% जीता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है कि बी 40% वोटों से हारा है, 40% वोटों से हारा है, ऐसे ही बोल सकता है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या है कि ए 40% वोटों से जीता है और क्वेश्चन में दे रखा 14,000 वोटों से जीता है, तो मुझे बताओ 40% की वैल्यू 14,000 आएगी नहीं आएगी? क्या आएगी? अगर 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या 40 भाग में चला जाएगा? तो 14,000 बटा कितना करूंगा? 40, ये कर दूंगा। अगर मुझे 100% वोट निकाले हैं तो 100% क्या करूंगा? गुणा 100 कर दूंगा, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा? 14,000 बटा कितना? 40 गुणा 100 निकाल दूंगा, तो 20 दूनी 40, 20 पंजू 100, 2 से काटूंगा 7, तो 7 पंजू 35,000, 35,000 मेरे टोटल वोट आ गए, 35,000 टोटल वोट आ गए मेरे, ठीक है। ये 100% की 100% का मान आ गया कि 35,000 गांव में वोट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक चीज़ और समझना, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, देखना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक फॉर्मेट और है, ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँ किसी गांव में 100% वोट पड़े जिसमें से 10% वोट अवैध हो गए, अवैध कितने हुए? 10% वोट अवैध हो गए, तो मुझे बताओ वैध वोट कितने हैं? वैध वोट हैं आपके 90%, 90% क्या होंगे? ये वैध वोट हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि अब ध्यान रखना, यहाँ पे दो केस बनते हैं, यहाँ पे एक तो बनता है कि कुल मतों का, कुल मत कितने हैं? 100%, एक बोलेगा कि वैध मतों का, ध्यान रखना यहाँ से। अगर मैं बोलूँ इसको वैध मतों का 20%, या फिर मैं बोलूँ कि वैध मतों का 70%, ए को मिला जो जीत गया, ए को मिला जो जीत गया, इसको मिला 70%, तो 90 का 70% निकालूंगा मैं, तो 90 का 70% कितना आएगा? 9 × 7 = 63%, ये कितना आएगा? 63%, ठीक है। अब देखो वेद्य मतों का 70% 63 होता है, अब 90 में से 63 ये जीत गया, तो हारने वालों कितने मिलेंगे? 63 × 7, ये कितना? 70, और ये कितना होगा? 27, इसको मिलेंगे 27%, ठीक है। देखो वेद्य मतों का, वेद्य मत कितने? 90%, 90% का 70% ए को मिला है, तो इसका 70% निकालूंगा, 9 × 7 = 63% आएगा। अरे 90%
गुणा इसका 70% निकालो तो 70/100, तो 1 2 1 2 63% आ गया। ठीक है, इसको 63% मिलेंगे तो हारने वाले कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, ये बी कैंडिडेट है जो कि हारने वाला है, इसको कितने मिलेंगे 27%। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90% आना चाहिए। क्या इन दोनों का सम 90% है, 63 और 7 कितने हो गए, 70 और 20 कितने हो गए, 90। ठीक है, 63 और 27 कितने हो गए, 90%। अगर यहाँ से ये बोल देता कि कुल मतों का, अगर बोल दे कुल मतों का 70% बोल दे तो कितना आएगा, 70 आएगा। यहाँ पे कुल मतों का 70%, तो यहाँ पे कितना आएगा, 70 ही आएगा, ध्यान रखना। अगर ये वैध मतों का बोल रहा तो 90 का निकाला हूँ मैंने, 90 का 70% निकाला, कितना होता है 63। अब देखो आप, अभी हारने वाले को मिलेंगे 27%, जीतने वाले को मिलेंगे 63%, तो इन दोनों का अंतर, हार जीत का अंतर होगा, ये हार जीत का अंतर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना भाई। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखना, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं अपन, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिए, उसी आधार पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। देखना कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का, कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक कैंडिडेट या एक प्रत्याशी 14,000 मतों से जीत गया, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, ध्यान रखना। अब करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या करोगे, पहले फॉर्मेट मैंने क्या बताया था कि कुल मत पड़े 100%, 100% मत पड़े। ठीक है, अब देखो आप, एक चुनाव में 60%, देखो एक चुनाव में एक व्यक्ति को, एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को 60% मत पड़े और वो जीता है, अगर ये जीतने वाला है, ये इधर जीतने वाला है, तो दूसरी साइड हारने वाला होगा, ये हारने वाला होगा। ठीक है, जीतने वाले को मिले 60%, इसको मिले 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40% मिलेंगे। ठीक है, और हार जीत का अंतर यही तो होता है, ये होता अंतर होता है। देखो यहाँ 14,000 मतों से जीत गया है, ये जीत गया है, तो यहाँ पे देखो 14,000 मतों से जीता है, यहाँ पे कितने परसेंट से जीता है, यहाँ पे जीता है 20% से जीता है, यहाँ पे 20% मतों से जीता है, तो क्या 20% बराबर 14,000 आएगा, क्या 14,000 आएगा, तो मुझे बताओ 20% बराबर 14,000, तो 1% बराबर कितना आएगा, ये भाग में जाएगा, तो 20 देखो काट दो, सीधे काट दो, ये कितना आएगा 7, तो कितना आएगा 700, 1% बराबर 700, ये आ गया। अब देखो आप, अगर पूछे आपको जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले को 60% मिले, 1% की वैल्यू कितनी है 700, तो 60% की वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 42, तो ये कितना आएगा 42,000 वोट, ये जीतने वाले को मिले। अगर पूछ लेता हारने वाले को कितने मिले, तो 1% बराबर 700, तो 40% कितना आएगा, 7 × 28,000। अगर मैं बोल दूँ कुल वोट बताओ, तो कुल वोट यहाँ से निकालूंगा, तो मुझे बताओ कुल वोट कितने आएंगे, 1% बराबर 700, तो 100% बराबर कितना आएगा, 100% बराबर 20 चिपका दो, तो 12, तो कितना आ जाएगा 70,000 कुल वोट हो गए, जिसमें से एक को मिलेंगे 60%, मतलब 42,000, तो इसको कितने मिलेंगे, 728, मतलब 28,000, और 28 42 कितने हो गए, 70,000। ठीक है, ऐसा निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करेंगे, सेम का सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 240 वोटों से हार गया, तो कुल वोट कितने डाले गए, कुल वोटों की संख्या पूछिए, तो कुल वोटों की संख्या मान लेता हूँ 100%, 100% वोट पड़े, जिसमें से एक कैंडिडेट हार गया, दूसरा क्या जीत गया, इधर लेता हूँ मैं जीतने वाला, ये जीता है, तो इधर क्या है, ये हारा है, हारा अगर 40% से है, तो मुझे बताओ 100% माइनस का 40%, तो कितना बचेगा, 60% वोट से वो जीता है दूसरा कैंडिडेट, तो मुझे बताओ, ये मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर मैं बोलूँ ये जीतने वाला 20% से जीता है, देखो आप इसका अंतर कितने का है, 20% का तो अंतर है, 20% का ही तो अंतर है, मैं बोलूँ कि ये 20% जीत रहा है,
और ये 20% से हार रहा है। एक की तो बात है, 20% ये हारा है, ये जीता है, 20% से हारा है। और यहाँ वोटों से कितने वोटों से हारा है, 240 वोटों से। तो मुझे बताओ 20% की वैल्यू क्या 240 आएगी नहीं आएगी, 240 ये आ गया, 240। तो मुझे बताओ यहाँ से मैं अगर 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो काट लो सीधा 0 से 0 और 2 से काटूँगा कितना आएगा 12, तो ये कितना आएगा 12। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूँगा तो 100% की वैल्यू निकालूँगा तो 2 जीरो चिपका दो, तो 2 जीरो चिपका दिए, तो कुल वोट कितने आ गए मेरे 1200। ये मेरे टोटल वोट हैं, कुल वोट हैं, कुल वोटों की संख्या 1200 था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 66.3% वोट मिलता है वह 2400 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू है 66.3%, 66.3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 2/3। ये मैंने अच्छे से बताया है, पहली और दूसरी क्लास इस बेस पे ही हुई है, तो पूरी क्लासों को देखना तब ये फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो क्या करोगे इसको इससे गुणा करना, 2+ करना, प्रतिशत का साइन हटाओगे तो कितना आएगा 2/3 ही आएगा, प्रतिशत की जगह क्या करोगे 100 करोगे तो 2/3 ही निकल के आएगा, ध्यान रखना। अब देखो आप, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 66.3% वोट मिलता है वह 2400 वोटों से बहुमत से जीत जाता है। मान लेता हूँ कुल वोट मेरे कितने 3 हैं, 3 वोट हैं। अब इस 3 का 66.3% ही 2 होता है, ये बताया था मैंने, इस 3 का 66.3% 2 होता है। 2 वोट अगर जीतने वाले को मिल रहे हैं, इधर लेता हूँ मैं जीतने वाला, ये जीतने वाला ले रहा हूँ, इधर ले रहा हूँ मैं हारने वाला। जीतने वाले को 3 में से 2 वोट मिल रहे हैं, इसको अगर 2 वोट मिल रहे हैं तो मेरे भाई ये जीतने वाला 2 ले गया तो बचा 1, हारने वालों कितने मिलेगा 1 ही तो मिलेगा, ठीक है। अब देखो आप, हार जीत के अंतर की बात करूँ तो ये कितने वोटों से जीत रहा है, ये 1 वोट से जीत रहा है। तो 1 वोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 1 वोट की वैल्यू 2400 है, 1 वोट की वैल्यू कितनी है 2400, ठीक है। 1 वोट की वैल्यू 2400 है, तो जीतने वाले को 2 मिले तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू 2400 तो 2 की वैल्यू कितनी, दुगुना कर दो तो 2 की वैल्यू निकालूंगा कितना आएगा 2400 × 2 = 4800, और यही मेरा करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा समझाता हूँ एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का, कुल मतदान कितना है देखो, इधर देखो 66.3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/3, तो कुल मतदान मान लिया मैंने 3 है, 3 में से जीतने वालों को कितने मिले 2, इस 3 का 66.3% कितना होता है 2, 2 मिले, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 हारने वालों को मिलेंगे। अब हार जीत का अंतर यहाँ होता है, तो 1 वोट से जीत रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 2400 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 4800, और ये मेरा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। देखो आप, किसी चुनाव में 100% वोट पड़ते हैं या फिर 100% वोट पड़े हैं, एक ही बात है कि 100% वोट पड़े जिसमें से 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। ये 20% है, ये अवैध है भाई, इसका 20% अवैध है, तो इसका 80% क्या होंगे, वैध होंगे, इसका 80% क्या होंगे, वैध होंगे। अब देखो आप आगे पढ़ो, 20% वोट अवैध घोषित होगी तथा जीतने वाला वैध मतों का, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, जीतने वाला वैध वोटों का, तो वैध वोट कितने 80 है, अगर बोलता कुल वोटों का तो कुल वोट आते 100%, अब ये बोला वैध मतों का या वैध वोटों का, तो वैध वोट है 80%, तो 80% का कितना 70% प्राप्त करता है, तो इसका अगर मैं 70% निकालूंगा तो कितना आएगा 70%, 8 × 7 = 56% आएगा, इसका 56% आएगा, ये जीतने वाला है भाई,
ये जीतने वाला है। तो हारने वाले को मिलेंगे, देखो 80 का 70% निकाले 56%, 56% जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो 80 में से 56 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 24%, 24% हारने वालों को मिले। अब देखो हार जीत का अंतर, ये कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, ये जीत रहा है आपका 6 में 4 गए 2 और 5 में 3 गए 2 गए 3, 32% वोटों से जीत रहा है। और यहाँ कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, ये 6400 वोटों से जीत रहा है। समझ में आया मैंने क्या किया, 100% कुल वोट थे, 100% में 10-20% अवैध हो गए, तो 80% वैध हैं। अब वैध मतों का 17%, 80% का 17% निकालूंगा तो 70/100, 1212, 856, 56% का साइन है लगा दिया, 56% जीतने वाले को, तो हारने वाले को 24% मिलेंगे, 80 माइनस का 56 कितना बचेगा, 24। हार जीत का अंतर ये होता है 32% वोटों से जीता है, तो 32% किसके बराबर होगा, 6400 के बराबर होगा, ये होगा 32% बराबर ये, तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 1% बराबर कितना आया, 200, 1% बराबर 200, तो 100% बराबर कितना आएगा, 100% बराबर 20 चिपका दो, तो 120 चिपका दी, तो कितना है 20,000, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 20,000, ये मेरा आंसर है, ठीक है। और ये है मेरा बेसिक मेथड। अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट कराऊं तो देखना, ये समझ में आया अच्छे से, ये बेसिक मेथड है, ये भूलना मत। एक देखना, यदि मैं कुल वोटों को x मान लूं, x मान करेंगे इसको, अब यदि मैं कुल वोटों को x मान लूं, x मान लिया मैंने, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध हो गए, अरे मुझे बताओ कुल वोट x है जिसमें से 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने, 80%, 100% होती कोई चीज़ अपने आप में, तो 20% अवैध है, तो वैध कितने, 80%, तो 80% मतलब 80/100, एक ही बात है, 80% मतलब 80/100, परसेंट का साइन उठा दिया, गुणा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। देखो आप, अगर जीतने वाले को 70% प्राप्त हो रहा है, 70% प्राप्त हो रहा है, तो हारने वालों को कितना मिलेंगे, हारने वालों को मिलेगा 30%, कितना मिलेगा, 30%, ये मिलेगा। देखो जीतने वाले कैंडिडेट को मिलेंगे 70%, तो हारने वाले को 30% मिलेंगे, और जीत रहा हार जीत का अंतर कितने परसेंट से, 40% से, ये जीत रहा 40% से, जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अगर ये 70% प्राप्त कर रहा है, 6400 वोटों से जीत रहा है, वैध वोटों से जीत रहा है, अगर ये 70%, तो इसको मिलोगे 30%, तो इसको माइनस करूँगा इसमें से, सॉरी 70% माइनस 30% करूँगा तो कितना आएगा, 40%, तो 40%, तो ऊपर लिख दो 40/100, और बराबर कितना है, 6400, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये दिमाग में करना, आपको ध्यान रखना, फास्ट करना है तो ये आपको माइंड में काम करना पड़ेगा। ये अगर इसको 70% मिलेंगे तो हारने वालों को कितने मिले, 30%, 70 माइनस 30, 40%, 40% मतलब 40/100। अब काट लो, देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये कट गया, तो 0 से 0 कैंसिल, इसका आधा कितना 2, इसका आधा कितना 5, मतलब एक्स गुणा 4/5 गुणा 2/5 बराबर कितना है, 6400, ये है 4 × 8 8 × 8 = 64, ये आ गया। एक्स का मान निकाला तो 25 इससे गुणा करूँगा मैं, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 25 × 800, ये आएगा 25 घंटा कितना होगा, 200 और 20 हो रहे हैं, तो कितना आया, 20,000, ये मेरा आंसर, ठीक है। आपको यही मेथड अपनाना, ध्यान रखना, सेम का सेम अगला क्वेश्चन आएगा वो आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, 30% वोट अवैध घोषित हुए, तथा जीतने वाला व्यक्ति वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, तथा 28-28 मतों से जीत जाता है, तो कुल वोट बताए। एक्स मान लो मैंने, एक्स टोटल वोट हैं, इस एक्स का 30% वोट अवैध हो गए, तो 70% वोट क्या हो गए, वैध हो गए,
ये वैलिड वोट है। अब इनका वैलिड वोटों का, ये टोटल वैलिड वोट है, इन वैलिड वोटों का वैध मतों का 60% जीतने वालों को मिलते हैं। अगर 60% जीतने वालों को मिल रहे हैं तो हारने वाले को मिलेंगे 40%, और इन दोनों का अंतर कितना है 20%। हार जीत का अंतर 20% का, तो गुणा कर दो 20%, 20/100 बराबर क्या आएगा 28। सोल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, तो 7 एकम, यहाँ कुछ नहीं बचा, 7, 7 से काट दो, 7 चौका 28, 0 7 चौका 28, ये हो गया। एक्स का मान चाहिए तो 10 × 5 ये 50 हो गया, 50 को इससे गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, एक्स बराबर आएगा आपका 50 × 404, 5 से गुणा करूँगा इसको 20,200, ये आपका करेक्ट आंसर 20,200। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, बचे वोटों में से 10% अवैध हो जाते हैं, और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7,290 वोटों से जीतता है, तो कुल वोट बताने हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, वो का वही है, ध्यान रखना एक्स मान के ही करना है, अपन को बेसिक मेथड से नहीं करना है। ठीक है, मैंने सिखा दिया है, अगर बेसिक से करो तो बेसिक से कर लेना, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो एक्स मान के कर लेना। एक्स मान के करोगे तो सिंपल सा है, देखो आप, मैंने एक्स मान लिया, कुल वोट मेरे एक्स हैं, एक्स में से 10% वोट नहीं पड़े तो 90% पड़े, 10% वोट नहीं पड़े तो 90% पड़े, तो एक्स गुणा 90/100 कर दूंगा गुणा। अब देखो 90% वोट पड़े, इस 90% में से 10% अवैध होगे, 10% अवैध होगे तो 90% वैध हैं, तो इसका 90% क्या होगा, वैध हो गया गुणा। आगे चलो, अब इन टोटल वैध मतों में से, इस टोटल वैध मतों का 70% जीतने वालों को मिलता है। अगर 70% जीतने वालों को मिल रहा है तो हारने वालों को मिलेगा 30%, तो हार जीत का अंतर कितना 40% से होगा, तो गुणा कर दो 40% मतलब 40/100 से, और बराबर कितना आएगा मेरा 7,290, यह आएगा मेरा। काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 4 का आधा 2, 10 का आधा 5 कर दिया, 9×9=81। देखो 81 को 9 से गुणा करूँगा तो 729 आएगा, 81×9 करूँगा तो 9 एकम 9 9×8=72, 729 आ रहा है, 729 आ रहा है, तो 9×9=81 मतलब पूरे को काट दो तो ये कितनी बढ़ जाएगा, 9 बार कटेगा तो 10 लगी हुई है, 2 से काटूँगा कितना आएगा 45 आएगा। यदि मेरे को एक्स का मान निकालना तो ये देखो नीचे कितना बच रहा है, ये 10×10 हो गया, और 5 से गुणा करूँगा 500 डायरेक्ट किससे गुणा होगा 45 से, तो एक्स बराबर कितना आएगा 500 × 45, तो 00 तो मेरी आएगी 20 आएगी। अब देखो 5 को 5 से गुणा करो, 25 5 बचेगा, 2 बचेगा, 5 आ गया 2 बचेगा, तो 5×20 20×2 22, 22,500 मेरा करेक्ट आंसर, ये टोटल वोट है मेरे, ये क्या है टोटल वोट, कुल वोट ही पूछा मेरे से, इसमें कुल वोट ही पूछेगा, ध्यान रखना आपसे कुल वोट ही पूछेगा, ध्यान रखना, ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। अब देखो आप ऐसे क्वेश्चन बेसिक से करोगे ना, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, 12.5% निकालोगे दिक्कत हो जाएगी। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपन कर लेंगे सीधे सीधे, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 5600 वोटों से जीत जाता है। देखो आप कुल वोट मान लो मैं एक्स हैं, कुल वोट ही पूछेगा आपसे, एक्स कुल वोट हैं, इसमें से 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो कितने डालते हैं 80% डालते हैं, मतलब 80/100 गुणा 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 1/8, इस 8 का 12.5% कितना होता है 1, मतलब 1 वोट नहीं डालता 8 में से, तो 7 डालेगा तो कितना डालेगा 7, तो 7/8
गुणा। आगे चलो, अब इन वेद मतों का 60% क्या जीतने वाला, अगर 60% जीतने वाले के पास है तो 40% हारने वाले के पास मिलेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 20%। 20% वोटों से वो जीत गया, तो 20% मतलब 20/100 और बराबर कितना आएगा, बराबर है कितना आपका 5600। 5600 ये आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, सेम का सेम ही क्वेश्चन है कि 20% वोट नहीं पड़े तो 80% पड़े, 80% मतलब 80/100 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 का मतलब 8 में से एक वोट नहीं पड़ा तो 7 पड़े, तो ऊपर लिखोगे 7/8। 8 में से 7 वोट पड़े, 100 में से 80% वोट डाले गए। अब 20% वोटों से वो जीत गया, कैसे, 60% वोट ए को पड़े हैं, ऐसे ही तो है कि 100% वोट हैं ए को मिलेंगे 60%, तो बी को कितने मिलेंगे 40%। हार जीत का अंतर यही तो आएगा, ये 20% का अंतर आएगा मेरा, तो 20% वोटों से वो जीत गया। तो 20% मतलब 20/100, सोल्व कर लो इसको, 20 चौक 80, 20 5 100, 20 एकम 20, 20 5 100 ये आ गया। 7 चौक 28, 28 2 56 ये आ गया 200। 8 5 40, ये कितना हो गया 40 और 2 5 कितना आ गया 200। x/200 बराबर कितना है 200। अब 200 को 200 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 200 × 200 बराबर कितना है 2 × 2 = 4, 1 2 3 4, 40,000 आपका आंसर आएगा, 40,000 आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो आप मेरे को इतने दिन हो गए क्लास लेते हुए, कई दिनों से मेरी क्लास रेगुलर हुई नहीं है, वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, कोई खांसी जुकाम सी ही नॉर्मल थी, नॉर्मल था, ऐसे कोई कोरोना वगैरह नहीं है कि कोरोना है, ऐसे कोई बात नहीं है, नॉर्मल था, थोड़ा सा मतलब जुकाम सा लग रही थी थोड़ी सी, तो परेशान था थोड़ा सा, तो मेरी क्लास नहीं हुई है। आज के बाद मेरी रेगुलर क्लास हो, रेगुलर क्लास को लिया करो आप, और जैसे कि मैं ये प्रतिशत पूरा होने के बाद में कमेंट कर देना सर ये टॉपिक करवाना है, वैसे मेरी इच्छा है परसेंटेज के बाद में जैसे रेशियो कराने की है, मैं रेशियो कराने की इच्छुक हूँ। अगर आप बोलोगे सर मेरे को प्रॉफिट लॉस करा दो तो मैं प्रॉफिट लॉस करवा दूँगा, आप जो बोलोगे वो टॉपिक मैं करवा दूँगा। और एक और ध्यान से सुनो आप, इस वीडियो को शेयर किया करो आप, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो। देखो आप हमारी शुरू की मेहनत है, टाइम लगेगा हमें, लेकिन आपके बिना ये अधूरा है, अगर आप चाहोगे तो ये पॉसिबल है। देखो 1000 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुए, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपको इतना नहीं फोर्स करेंगे जितना अब करना पड़ रहा है, कि आपको फोर्स मान लो कुछ भी मान लो, हम आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर किया करो, सब्सक्राइब ज़रूर करवाया करो। अभी सब्सक्राइबर अपने इतने नहीं हुए, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो अपन को करवाने हैं, ठीक है। और रेगुलर क्लास लिया करो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।